फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को ईमो का एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ, ईमो का एक ऐसा खुफिया राज बताने वाला हूँ। आप यकीन मानिए, ये ट्रिक के बारे में आपको कोई भी नहीं बताया होगा। और मैं जानता हूँ ये ट्रिक के बारे में आपको ईमो का, जैसे आपको बताऊँगा तो आप मुझे ज़रूर पूछोगे, यार तूने ये ट्रिक के बारे में हमें पहले से क्यों नहीं बताया। और मैं यकीन के साथ बोलता हूँ जो आपको ये ट्रिक का जो है बहुत दिनों से इंतज़ार रहा होगा। तो देखिए, हमारे ईमो के कॉन्टेक्ट लिस्ट में हमारा बहुत ही फ्रेंड यहाँ पर देखिए ऐड रहता है, लेकिन यहाँ पर सभी फ्रेंड का मोबाइल नंबर हमें मालूम नहीं रहता है। सिर्फ यहाँ पर ईमो कॉन्टेक्ट ऐड है, लेकिन इसका मोबाइल नंबर हमें मालूम नहीं है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए इसका प्रोफाइल्स में यहाँ पर ओपन किया ये फ्रेंड का, तो यहाँ पर देखिए इसके ईमो के प्रोफाइल्स पे यहाँ पर नीचे में इसका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है। और यहाँ पे मैं दूसरा फ्रेंड का ईमो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं देखिए दूसरे फ्रेंड का ईमो प्रोफाइल्स यहाँ पर ओपन किया हूँ, तो यहाँ पर देखिए इसका मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो हमें कभी कभी इसके फ़ोन नंबर का, इसके मोबाइल नंबर का ज़रूरत पड़ जाता है, जो आखिर में इसने कौन सा मोबाइल नंबर से ईमो को ओपन किया, इसका मोबाइल नंबर क्या है, या फिर हमें कॉल ही करने का उसको ज़रूरत पड़ जाता है तो हम उसका मोबाइल नंबर ढूंढने लगते हैं जो ये ईमो का मोबाइल नंबर क्या है इसके ईमो का। तो यही मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, जो ये ईमो का मोबाइल नंबर हम कैसे पता लगाएंगे और इसका फ़ोन नंबर आखिर में कौन सा है, ये कौन सा मोबाइल नंबर से ईमो को ओपन किया है, ये हम कैसे पता लगा पाएंगे। ये सब जानने के लिए ये वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक का देखिए। और मैं आप लोग को यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए मेरा भाई भी एक YouTube चैनल स्टार्ट किया है, तो आप जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इनके चैनल का नाम है SK जनकपुर, तो ये चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ पर जाके आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये भी बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते, मोबाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियो बनाते, तो जाके आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ईमो के सभी फ्रेंड का मोबाइल नंबर पता लगाने के लिए, ये सब सीखने के लिए प्लीज आप ये वीडियो को पूरा देखें। और आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में ऑल बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फिर कुछ नया सीख लेते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, हमारे ईमो के कॉन्टैक्ट लिस्ट में हमारा बहुत ही फ्रेंड ऐड रहता है, लेकिन हमारे सभी फ्रेंड का जो है ईमो मोबाइल नंबर हमें मालूम नहीं रहता है। किसी के ईमो के प्रोफाइल्स पे जो है उसका मोबाइल नंबर शो करता है, और किसी के ईमो प्रोफाइल्स पे जो उसका मोबाइल नंबर शो नहीं करता। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए चैट है और यहाँ पर कॉन्टैक्ट है, तो हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा बहुत ही फ्रेंड ईमो के अंदर में यहाँ पर ऐड है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा फ्रेंड सब ऐड है तो इसका सभी का हमें मोबाइल नंबर मालूम नहीं है। किसी के प्रोफाइल्स पे मोबाइल नंबर शो करेगा और किसी के पे नहीं शो करता है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए एक मेरा फ्रेंड ये है, यहाँ पर देखिए अंसारुल लिखा हुआ है, तो मैं इसका ईमो ओपन कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर हम राइट साइड में 3 डॉट के आइकन पे ऐसा क्लिक करेंगे ऊपर में, और उसके बाद यहाँ पर देखिए व्यू प्रोफाइल्स लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका मोबाइल नंबर यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी किसी फ्रेंड के ईमो के प्रोफाइल्स पर जो है यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर आपको शो नहीं करेगा, जैसा कि मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम फिर बैक आ जाते, तो यहाँ पर देखिए इसका नंबर यहाँ पर शो आपको नहीं कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कहीं पे भी इसका मोबाइल नंबर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। लेकिन जो मैं पहले आपको दिखाया था तो उसमें जो है यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर दिख रहा था। तो ये क्यों होता है ऐसा आपको मालूम नहीं है। जैसा कि देखिए कभी कभी हमारा दोस्त जो है हमसे वो हमारा मोबाइल नंबर ले लेता है, जो दो तुम अपना मोबाइल नंबर मैं अपने ईमो में सेव करता हूँ, मैं ईमो पर तुमको कॉल करूँगा, और वो जो है अपना मोबाइल नंबर हमें नहीं देता है। तो वो तो हमारे मोबाइल नंबर को सेव कर लेता है, तो उनके पास हमारा मोबाइल नंबर चला जाता है, लेकिन उनका मोबाइल नंबर हमारे पास नहीं आता है, तो हम नहीं जान पाते जो इसका मोबाइल नंबर क्या है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसने मेरा मोबाइल नंबर सेव किया है और मैंने इसका मोबाइल नंबर सेव नहीं किया, इसलिए यहाँ पर इसका मोबाइल नंबर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो कभी कभी हमें सख्त ज़रूरत पड़ जाता है इसके मोबाइल नंबर का, जो नंबर का हमें कोई काम पड़ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसे बोल भी नहीं सकते जो तू भाई तुम अपना नंबर भेजो। तो इसका नंबर हमें ऑटोमेटिक लेने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक ट्रिक का यूज यहाँ पर करना पड़ेगा। वो ट्रिक का हम यूज करेंगे तो इसका मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर शो होने लगेगा और यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो वो
ट्रिक का यूज करने के लिए आपको यहाँ पर स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पर देखिए डिलीट कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डिलीट कॉन्टैक्ट पे ऐसा क्लिक कर दीजिए और इसके बाद यहाँ पर एस पे क्लिक कर दीजिए। अभी ये जो है इसका कॉन्टैक्ट यहाँ पर डिलीट हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखिए चार्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप चार्ट पे ऐसा क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर देखिए दो बटन यहाँ पर निकल के आ गया। यहाँ पर ऊपर में देखिए एक ब्लॉक लिखा हुआ है, यहाँ पर एक ऐड लिखा हुआ है। तो अब आप क्या कीजिए, इसको कुछ मैसेज कीजिए यहाँ पर से। तो यहाँ पर हम मैसेज पे क्लिक कर लेते हैं और इसको हम हाई लिख के ऐसा भेज देते हैं। यहाँ पर हम हाई लिख के भेज दिए, तो अब जो ये मैसेज को वो देखेगा तो मैसेज को ज़रूर वहाँ से रिटेन करेगा, चाहे वो फ़ोन करेगा या चाहे वो वीडियो कॉल करेगा या चाहे ये मैसेज का रिप्लाई या फिर ऑडियो कॉल करेगा। जैसे ऑडियो कॉल या मैसेज या कुछ भी वहाँ से उधर से कोई कुछ भी सेंड करेगा तो उसका मोबाइल नंबर जो है फौरन यहाँ पर आपको आ जाएगा, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ दूसरे का मोबाइल नंबर। यहाँ पर देखिए सेम ऐसा मोबाइल नंबर उसका जो है यहाँ पर आ जाएगा और आप उसके मोबाइल नंबर का पता लगा सकते हो ऐसा करके, और उसके बाद आप उसका मोबाइल नंबर ले सकते हैं और फिर उसके बाद आप यहाँ पर ऐड कर दो, उसके बाद फिर ऐड भी हो जाएगा और उसका मोबाइल नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसा करके आप अपने ईमो के अंदर में जितना भी फ्रेंड लिस्ट है जिसका अगर मोबाइल नंबर मालूम नहीं है तो ऐसा करके आप पता लगा सकते हैं।